नमस्ते। रविवार संस्करण में आज की वो खबरें जिन्हें आप तक पहुंचना जरूरी है। मैं हूं विक्रम दत्त। पहली खबर में दिल्ली चलते हैं, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार लंपी वायरस से मरने वाली गायों का अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से करने की व्यवस्था करे। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया गया है। याचिका में वायरल बीमारी को खत्म करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने और इलाज के लिए मांग की गई है। वैसे अब तक भारत में इस बीमारी ने 30% देशी गायों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन फौरी तौर पर इस बीमारी के लिए किसी तरह का इलाज नहीं है। ये बात अलग है कि भारत में सरकारें उदासीन हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का गाय के लिए स्नेह है। जोधपुर की खबर है, यहाँ के रहने वाले दिव्यांग जगदीश लोहार का अलग ही जुनून है। लंपी से बीमार गायों के लिए इन्होंने 1762 किलोमीटर की प्रार्थना यात्रा की, ताकि किसी भी तरह से सरकार का ध्यान इनकी तरफ जाए और गायों की जान को बचाया जा सके। लोहार ने 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इनका नाम 2 बार लिम्का बुक और 2 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है। वर्ष 2015 में इन्हें राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार और 2017 में राज्य स्तरीय दिव्यांग रोल मॉडल अवार्ड से नवाजा गया है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी ने बच्चे को जन्म दिया है। दरअसल हत्या की आरोपी महिला को जेल भेजा गया तब वो प्रेग्नेंट थी और अब उसे बच्चा हुआ है। महिला को जेल में प्रसूता को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं जैसे देसी घी के लड्डू और पौष्टिक वस्तुएं खाने को दी जा रही है। जोधपुर से राजस्थान पुलिस के अधिकारी नरेंद्र इनकिया का तबादला हुआ तो उनकी विदाई गाजे बाजों के साथ हुई। पुलिस महकमे के लिए ऐसी विदाई सुखद है, क्योंकि खाकी हरदम बदनाम है। इधर सचिन पायलट राजस्थान से सीधे उत्तर प्रदेश के सैफई पहुंचे। पायलट यहां मुलायम सिंह यादव के देवलोक होने के बाद उनके परिवार से मिलने गए। पायलट ने यादव के निधन को दुखद बताया और कहा, राजनीति में मुलायम को हमेशा याद रखा जाएगा। जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। 21 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदुओं की हालत खस्ता है। इस मुल्क में हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाना, बलात्कार और हत्या करना आम बात है। ऐसे में हिंदुओं का पलायन चलता ही रहा और अब 40 हिंदू गंगा स्नान के लिए आए और अब वो भारत में ही रहना चाहते हैं।